We will never change our name, whatever the incentives. We can add something silly like a brand name if they offer us a shitload of money, which you will agree is an offer no one can refuse. But changing one's name completely shows serious inferiority complex. Adding a letter here and there for numerological compulsions is at best idiotic. But changing a name wholesale is against the notion of naming something at all. Would you like your doors to be renamed Opening Holes? Or your tea Leaf Water? This kind of logic holds no water. You assholes trying to forever rename our cities and states? Cease and desist. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. वाह 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 वाह। आपने सुना कि नहीं, ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल की सारी प्रॉब्लम्स का तोड़ निकाल लिया है। वेस्ट बंगाल में अब ना कोई क्राइम होगा, ना गरीबी, ना करप्शन, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वेस्ट बंगाल ही नहीं होगा। ममता दीदी ने एक ही झटके में सबका सोल्यूशन ढूंढ लिया है और वो सोल्यूशन है वेस्ट बंगाल का नाम ही बदल दिया। ना रहेगा वेस्ट बंगाल, ना रहेगा वेस्ट बंगाल में क्राइम। यस, ममता बनर्जी ने सीएम बनने के 2 महीने के अंदर ही ऐलान किया है कि स्टेट का नाम जल्द ही बदल दिया जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और 100% बंगाली नहीं है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अंग्रेजों की दी हुई चीजों से हमें इतनी प्रॉब्लम क्यों है। एक तो वो लोग कुछ भी मुफ्त में नहीं देखे गए हैं, 200 साल तक वसूला है। दूसरी बात, अगर उनकी दी हुई चीज़ें हटानी हैं तो सबसे पहले उनके वो आलिशान बंगले छोड़ो जिसमें नेता लोग रह रहे हैं। अब ममता दी, आप जिस रेलवे में इतने दिन मिनिस्टर थी, वो 48,000 किलोमीटर की रेलवे भी अंग्रेजों ने ही बनाई है, उसका क्या करें, उखाड़ फेंके सारी पटरियाँ? सॉरी, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट दिस न्यूज गेट्स मोर इंटरेस्टिंग जब आप इस नाम बदलने का लॉजिक सुनेंगे। देखिए, सुनिए, सरकार का कहना है कि वेस्ट बंगाल W से शुरू होता है और इसकी वजह से इंडियन स्टेट्स की लिस्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा नाम सबसे नीचे चला जाता है। यस, दैट्स नॉट अ मेड अप न्यूज। सरकार के एक ऑफिशियल ने यह सच में कहा है कि हमें अपना नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर चाहिए। आई थिंक उन्हें लगता है कि किसी दिन सारे स्टेट्स एक साथ पिकनिक पर जाएंगे जहां हर स्टेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रोल नंबर मिलेगा और पिकनिक में सबको रोल नंबर के हिसाब से लाइन में बैठना होगा, और उस दिन क्योंकि उनका नाम और रोल नंबर सबसे नीचे होगा, वो लोग सबसे पीछे बैठेंगे, उत्तर प्रदेश के भी पीछे। और मैं कहता हूँ, अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपना नाम सबसे ऊपर ही चाहिए तो कॉल योर सेल्फ आलू AA। आंध्रा भी पीछे रह जाएगा फिर आपके। और मजे की बात यह है कि इस इश्यू पर ममता बनर्जी और CPM दोनों साथ हैं। CPM का तो यह भी कहना है कि हमारी सरकार ने ही सबसे पहले स्टेट का नाम बदलने का आइडिया दिया था, पर इसे इंप्लीमेंट करने का टाइम नहीं मिला। हेलो अंकल, 34 साल से क्या अंडा छील रहे? टाइम नहीं लगा क्या मतलब है? 34 साल राज करने के बाद कम से कम ये तो मत बोलो यार। और ऐसा बोलने से पहले ये तो सोचो कि जगदम्बिका पाल को कितना बुरा लगेगा। याद है, अरे 3 दिन के लिए यूपी के सीएम बने थे वो, 3 दिन के लिए जगदम्बिका पाल जी। हाँ, अगर जगदम्बिका पाल बोले कि मुझे 3 दिन में यूपी का नाम बदलने का टाइम नहीं मिला, तो हम मान भी लेंगे। और CPM की तरफ से इस नाम बदलने के आइडिया का सबसे ज्यादा खुल के समर्थन कर रहे हैं बीमान बोस। यस, जिसका नाम खुद बीमान बोस हो, उसको दूसरों के नाम पे गुस्सा तो आएगा ही। बीमान बोस नाम सुन के लगता है कि अभी उड़ जाएगा। एक्चुअली बीमान बोस का दिमाग बहुत पहले उड़ चुका है। His brains have taken off and now are firmly in space, which is why he is so spaced out. और इन साले कम्युनिस्ट पार्टी वालों को शर्म नहीं आती, 34 साल वेस्ट बंगाल में राज किया और हर दिन कैपिटलिस्ट वेस्ट को कोसते रहे, पर अपने नाम से वेस्ट कभी नहीं निकाला। Just look at the fucking double standards, huh?
Perhaps they liked the West in their name because they ran it like the Wild West. याद है वो गन स्लिंगिंग नक्सलवादी कॉमरेड्स? वो होता ना म्यूजिक, कौन सा होता है? गुड बैड अगली का म्यूजिक बजा जल्दी. आपको नहीं लगता वेस्ट बंगाल को अपना नाम 1971 के पहले बदल लेना चाहिए था? अब जो नाम उनको चाहिए वो तो बांग्लादेश यूज ऑलरेडी कर रहा है. और उनकी हालत इतनी बुरी है, अगर उनसे नाम भी छीन लिया जाए तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सॉरी, वो तो एनीवे जाएंगे नहीं, आएंगे हमारे यहाँ. एक्चुअली मन्नू जी जो कह रहे थे ना कि 25% बांग्लादेशी हेट इंडिया, वो वेस्ट बंगाल वाले थे क्या? खैर, बहुत से लोगों का ये लॉजिक है कि वेस्ट बंगाल अब ऑब्सोलीट नाम हो गया है क्योंकि ईस्ट बंगाल अब बांग्लादेश बन गया है और वेस्ट बंगाल खुद इंडिया के ईस्ट में है. लेकिन उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश इंडिया के एकदम उत्तर में तो नहीं है, उसके ऊपर 4 और स्टेट्स हैं. तो क्या यूपी का नाम बदल के नॉट सो यूपी कर देना चाहिए? ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य का नया नाम शुद्ध बंगाली में रखा जाएगा, जैसे कि बोकारो प्रदेश, बाबूसोना प्रदेश. वैसे अगर नाम बदल ही रहे हैं तो वेस्ट बंगाल का ही नाम बदल के तेलंगाना कर दो, सबके मन को ठंडक मिलेगी. एनीवे, अभी बाकी है केरला का गोल्डन टेंपल, दयानिधि मरन का नया अचीवमेंट, आईएफआ में शशि थरूर और श्रीशांत का 150 किलोमीटर पर आवर का वादा, प्लस सविता भाभी और एक मुलाकात इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर से. बट राइट आफ्टर द शब्द वेलकम बैक. केरला के श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के सीक्रेट चेंबर से 1,00,000 करोड़ रुपए का सोना निकला है. आई थिंक दैट्स गॉड्स वे ऑफ टेलिंग डीएमके एंड शरद पवार, चूतियों कितने भी घोटाले कर लो, मेरे से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकते. खबर है कि ये खजाना 16th सेंचुरी में बने इस मंदिर के 6 सीक्रेट चेंबर्स में 500 सालों से पड़ा हुआ था. सो बेसिकली somebody was वेटिंग फॉर गोल्ड prices टू शूट अप बिफोर showing इट टू द वर्ल्ड. कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ 4 चेंबर्स में से ही 1,00,000 करोड़ का सामान निकला है. आई थिंक टेंपल चेंबर्स आर बिहेविंग लाइक तिहार जेल सेल्स. हर चेंबर की कीमत 1,000,000,000 रुपए में है. बट रियली इसके बाद अब सारे पुराने मंदिर के पुजारी अपने अपने सीक्रेट चेंबर्स खोलने में लग जाएंगे, होपिंग टू फाइंड गोल्ड एंड डायमंड्स. एंड आई थिंक जहां गोल्ड और डायमंड नहीं मिला वहां दयानिधि मरण की डाली हुई फोन लाइन तो जरूर मिल जाएगी. अच्छा हाँ, विच रिमाइंड्स मी, दयानिधि मरण का 2G घोटाले में भी नाम आ गया. विद दैट ही बिकम्स द सेकंड मिनिस्टर आफ्टर शरद पवार टू हैव हिज नेम इन मोर देन वन बिग स्कैम. वाह, मुबारक हो दयानिधि बाबू. हंस भी रहे. वाह, आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने इंडिया का जीनियस घोटाला फोन लाइन स्कैम किया था सिर्फ 600 करोड़ का. करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर और एक्स टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मरन ने भी बहती गंगा में डुबकी मार ली है और ज़्यादा नहीं, कम से कम 630 करोड़ का स्कैम करके अपने अपने अप्पा का नाम और रोशन कर दिया. उन्होंने 323 फोन लाइन्स अपने घर पर लगवाई. कितनी? 323, बिना किसी बिल के. इन 323 फोन लाइंस के डाटा यूसेज से अपना टीवी चैनल सन टीवी पूरे 2 साल तक चला. सिर्फ इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो इसीलिए उन्होंने ये 323 फोन लाइंस अंडरग्राउंड ऑप्टिकल केबल डलवा के 4 किलोमीटर दूर से अपने घर तक पहुंचवाई और सब फोन लाइंस पे अपना एड्रेस दिया चीफ जनरल मैनेजर चेन्नई BSNL. और मजे की बात यह है कि उस घोटाले के बाहर आने के बाद भी किसी ने उन्हें सरकार से रिजाइन करने को नहीं बोला. यू सी, सिर्फ 600 करोड़ का घोटाला था ना,
टू लिटल एन अमाउंट टू ट्रबल अ मिनिस्टर. लेकिन अब 2G में उनका नाम आ गया है तो उनके हिस्से का घोटाला का जो प्राइस है, मतलब अमाउंट जो है वो 1,000 करोड़ से ऊपर चली गई है और अब उन्हें रिजाइन करना पड़ा. विच मेक्स अस बिलीव कि UPA में रेजिग्नेशन कट ऑफ 1,000 करोड़ रुपए है. अगर आपने 1,000 करोड़ रुपए से नीचे का घोटाला किया तो चिल लिया यार, रिलैक्स. वैसे ये सब देखकर लालू यादव को बहुत बुरा लग रहा होगा. यू नो, सिर्फ 100 करोड़ के चारे घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा था. और गाइस, आई थिंक ही शुड बी कॉम्पेंसेटेड नाउ बाय गिविंग अ फ्री गोल्ड बिस्किट फ्रॉम श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल. ओके, टॉकिंग अबाउट सम डैशिंग साउथ इंडियंस नाउ, एज अपोज टू द वंस डैशिंग आवर होप्स, आवर वंस सेक्सी मिनिस्टर शशि थरूर साहब. हाँ, शशि थरूर साहब ने हाल ही में IFR में एक स्पीच दी. यस, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में शशि थरूर ने एक स्पीच दी. आई थिंक ये बदला लिया है हमारे पॉलिटिशियंस ने बॉलीवुड पर. फिल्म वालों ने शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा में भेजा था, उसका बदला ये लोग गिन गिन के ले. बट आई एम वंडरिंग, शशि थरूर IFR में क्या करने गए थे, उन्होंने स्पीच में क्या बोला होगा. एक्चुअली व्हाई एम आई वंडरिंग, वी हैव द क्लिप, टेक अ लुक. That was life shattering stuff. अगर आपने ये देख लिया हो तो you also need a break because I need one. I'll be back in a bit. बजाओ. वेलकम बैक. श्रीशांत ने कहा है कि वो जल्द ही 150 किलोमीटर पर आर का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे. बस एक ही कंफ्यूजन है, आई हैव नो आइडिया कि बात उन्होंने अपनी बॉलिंग को लेकर कही है या ब्रेक डांस को लेकर. श्रीशांत का कहना है कि वो इस रिकॉर्ड पर बहुत दिनों से ध्यान दे रहे हैं एंड नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. यस, मैटर ऑफ टाइम ही है. यू नो, अगर एक सेकेंड को हम लोग आधा सेकेंड मान ले तो वो ये रिकॉर्ड पक्का तोड़ देंगे. And if you are still trying to understand the last joke, then you will never be able to pull off a telecom scam in your life. Jo maths or physics padho aur bade hokar scam karo, idiot. Bhago. Baki log chalte hain ab Savita Bhavi ke paas kuch gyan vardhak baatein sunne. Aaiye, aaiye. Savita Bhavi, ki sexy solution. अरे ये क्या सविता, तुम भी हंगर स्ट्राइक कर रही हो? हाँ सुमित, मैं भी हंगर स्ट्राइक कर रही हूँ. ये देखो. क्या तुम भी ब्लैक मनी के खिलाफ हो? नहीं नहीं, मैं ब्लैक मनी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ. बेचारे काले लोग अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? वैसे भी अफ्रीकन कंट्रीज आर वेरी पुअर, लेट देयर बी ब्लैक मनी. पता नहीं बाबा रामदेव को काले लोगों से इतनी नफरत क्यों है. नहीं नहीं सविता, तुम गलत समझ रही हो. ब्लैक मनी वो नहीं है जो तुम समझ रही हो. नहीं नहीं, ये बात नहीं है सुमित, तुम नहीं समझ रहे हो. मुझे अफ्रीकन्स बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि उनके पास पैसे हो, बहुत सारे पैसे हो. देखो ना,
बेचारे कितने गरीब हैं, वेरी पुअर। हमारे देश के ब्लैक मनी का क्या? वो मुझे नहीं पता, मैं तो स्ट्राइक किसी और वजह से कर रही हूँ। क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से मुझे बाबा रामदेव बहुत सेक्सी लगने लगे हैं। देखो ना, वो अपना पेट कितने सेक्सी तरीके से घुमाते हैं, एकदम अंदर बाहर। मैं लेकिन इसके लिए हंगर स्ट्राइक क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ जो शरीर पर कमरे जैसा कमर रखते हैं और दिमाग में पतली कमर, सेक्सी कमर की चाहत रखते हैं, पर खाने से दूर नहीं रह पाते। मैं ये हंगर स्ट्राइक इंडिया के मोटे लोगों को सेक्सी बनाने के लिए कर रही हूँ। पता है, मोटे लोग समाज में विष के समान होते हैं। यू शुड नो दिस। तुम बहुत लेफ्टिस्ट साउंड कर रही हो सविता। नहीं नहीं, आई एम ऑलवेज राइट। क्या है कि मोटे लोग पतले लोगों से जलते हैं और हर जगह समाज में पतले लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। आई कांट सी दैट। तो क्या पतले लोग मोटे लोगों से नहीं जल सकते? ऑफ कोर्स सुमित, मोटे लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे देखकर पतले लोग जलने लगे, समझे? लेकिन मुझे कमर पे थोड़ा फैट अच्छा लगता है, यू नो, लाइक टू होल्ड थिंग्स सविता, और थोड़ा सब पेट एक सुखी इंसान की निशानी होती है। मैं नहीं मानती, इवन विजय माल्या लाइक्स थिन गर्ल्स। अरे पर वो खुद तो मोटा है ना। ओफ हो सुमित, तुम तो मुझे एकदम कंफ्यूज कर रहे हो। छोड़ो ना, जाने दो, मुझे तो आजकल बाबा की कमर सेक्सी लगने लगी है और देश की बाकी जनता को भी सेक्सी लगने लगे हैं बाबा रामदेव। लेकिन वो हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। देखो, बाबा ने कब का हंगर स्ट्राइक तोड़ भी दिया। तोड़ दिया। अरे मैं भी तो बाकी सब की तरह हंगर स्ट्राइक का नाटक कर रही थी। You know, hunger strike has become the in thing in our country. और हमेशा की तरह आज मैं आसानी से कोई भी सेक्सी सॉल्यूशन देना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि हंगर स्ट्राइक से कोई ब्लैक मनी वापस नहीं आता। बस एक ही चीज हो सकती है और वो है आप कुछ दिन बिल्कुल भूखे रहें और भूखे रहकर अपने कमर का साइज घटा सकते हैं। बिल्कुल सविता, तुमने आज देश के लोगों को बता दिया कि हंगर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। यस, हाँ बताया ना, हंगर स्ट्राइक करो। मैं ये नहीं कहती मत करो, बेशक करो। अगर आपको मेरी तरह, बाबा की कमर सेक्सी लगती है और आप वैसे ही कमर पाना चाहते हो, वैसे ही कमर की कामना करते हो, तो फिर आपको हंगर स्ट्राइक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और सबको अपना अपना फैट बर्न करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन बात बात पर हंगर स्ट्राइक मत करो, क्योंकि ये आपके देश और सेहत दोनों के लिए खराब है, खतरनाक भी है। वाह वाह सविता, क्या बात है, क्या बात कही तुमने। मैं तो कहता हूँ तुम्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं अगला चुनाव लड़ूंगी और जरूर लड़ूंगी सुमित, और मेरी पार्टी का नाम होगा SBSP, सेक्सी भाभी सविता पार्टी, और ये हर मामले में BSP की ऑपोजिट होगी। हम भी स्टैचूज बनवाएंगे हर महीने पर ऑल न्यूज। अब मेरा हंगर स्ट्राइक तोड़ने का वक्त हो गया है और मैं अपना पहला पोस्ट हंगर स्ट्राइक जूस के साथ करूंगी, तुम्हारे हाथों से लूंगी। सुमित तुम आओ ना। मैं आऊंगा तुम्हें वोट देने सविता। हाँ, और मैं भी तुम्हारे उंगलियों पे निशान छोड़ दूंगी। रियल डेमोक्रेसी बैलेट में है, भूख हड़ताल में नहीं, समझे? सुन लिया तुम लोगों ने सविता का प्रवचन। हड़ताल छोड़ो, तालमेल बढ़ाओ। और ब्रेक के बाद एक मुलाकात इंडिया के ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर से। जाएं।
वेलकम बैक। हाल ही में बीसीसीआई ने यूडीआरएस का ऐसा विरोध किया, जैसे यूडीआरएस का मतलब है कि कोई भी शरद पवार के पॉकेट में हाथ डाल सकता है। फिर धीरे धीरे राज खुला और समझ आया कि यूडीआरएस के सबसे बड़े विरोधी और कोई नहीं, खुद सचिन तेंदुलकर। यस, सचिन ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हाँ, यूडीआरएस अभी फुल प्रूफ नहीं है, इसीलिए इसे यू नो यूज नहीं करना चाहिए। अरे दैट्स लाइक सेइंग कॉन्डम कभी कभी लीक भी हो सकता है, इसीलिए सेक्स ही नहीं करना चाहिए। बट वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन। सचिन इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ आवर टाइम्स, उन्हें अपनी बात समझाने का मौका देना चाहिए। अरे रुको, अभी मत मारो यार, मैंने अभी कोई बुराई नहीं की है सचिन की। आई एम जस्ट सेइंग लेट्स टॉक टू हिम। तुम लोग ऑलरेडी भड़क गए यार। अरे बात तो सुनो। अरे अच्छा, सॉरी, गाली नहीं दी है। दिल्ली बली का गाना गा रहा था मैं, डीके बोस, गलती से उल्टा बोल दिया। प्लीज सचिन को वेट मत कराओ, प्लीज लेट मी टॉक टू हिम। आइए सचिन, तो क्या पहना है तुमने? आई मीन ये अजीब सा गेटअप क्या है? हाँ, मैं फेडरर से मिलने गया था ना। तो फेडरर बिना कोट पैंट वालों से नहीं मिलता क्या? आई डोंट नो, बट आई थॉट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया मुझे स्मार्टली ड्रेस होकर जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ओपन एयर में मिले, मैंने गॉगल्स इंडोर में पहनने के लिए लिए थे। आई ला, हाँ हाँ, इंडोर्स में गॉगल्स बहुत स्मार्ट लगते हैं। एनीवे, हम यूडीआरएस की बात करने आए हैं, आपको उससे क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो ये बहुत ऑब्सीन नाम है। आइला, मैंने सूट के साथ गार्ड क्यों पहना? एनीवेज, यूडीआरएस साउंड्स लाइक अडर्स, व्हिच रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम जब एक बार मैंने चेंजिंग रूम में युवराज को बिना कपड़ों के देख लिया था। आपको हमें ये बताने की जरूरत नहीं थी। खैर, और क्या प्रॉब्लम है यूडीआरएस में? हमें सुना है कि आपके हिसाब से ये फुल प्रूफ नहीं है। नहीं, अडर्स के बाद 98% डिसीजंस सही होते हैं। बट विदाउट यूडीआरएस के 92% सही होते हैं। एग्जैक्टली, सो विदाउट अडर्स बेटर है। एक मिनट, आप खुद कह रहे हैं कि विदाउट यूडीआरएस 92% सही होता है और विद यूडीआरएस 98%, फिर प्रॉब्लम क्या है? आई हेट 98, यू नो, मैं बहुत बार 98 पे आउट हुआ हूँ। अर्ली 90s इज बेटर, यू नो। कुछ लोगों का कहना है कि आप अंपायर से मिलने वाला बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए यूडीआरएस के खिलाफ है। नहीं नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट तो मैं थर्ड अंपायर से भी ले सकता हूँ, बाकी बीसीसीआई तो जल्दी ही इंडिया के सारे मैचेस में सनी सर को ही थर्ड अंपायर बनाने वाली है। फिर तो मुझे क्या, अजीत अगरकर को भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। और जहां तक बेनिफिट ऑफ डाउट की बात है, इससे मुझे फायदा हो या ना हो, पॉन्टिंग को नुकसान जरूर होगा, यू नो, ही नेवर गेट्स बेनिफिट ऑफ डाउट, तो ओवरऑल फायदा तो हमारा ही है। आई एम अ टीम प्लेयर बाय द वे। यस यस, वी नो सर, लेकिन इससे तो हमारी टीम के बॉलर्स को ही नुकसान होगा ना। उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिला LBW पे, तो वो अंपायर के खिलाफ अपील भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, इससे हम बैट्समैन को तो और रीजन मिलेगा ज्यादा रन्स बनाने का। तो आप बोलर्स का क्रेडिट ले रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। डोंट यू थिंक आपके जैसे महान खिलाड़ी को नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट? यस यस, दैट्स द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस, आई एम सपोर्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने अभी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लुमिनस इन्वर्टर का ऐड किया है। इस इन्वर्टर के होते हुए यू विल नेवर मिस योर क्रिकेट मैच टू अ पावर कट। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा, और नई टेक्नोलॉजी की बेस्ट कार फरारी है मेरे पास। आई लव न्यू टेक्नोलॉजी, मुझे फ्री सर्विस भी देते हैं फरारी वाले। आइला, अब मुझे याद आया मैंने सूट के साथ गार्ड क्यों पहना है। मेरी फरारी बहुत नीचे है ना, मुंबई की सड़कों पे लगता है अडर्स पे। We got it, you really love new technology. Thanks for talking to us. Thank you. Sunday हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। I hope we didn't offend any Sachin fans today. Hey! Hey!
लगता है फिर से कमजोर दिल दुख गया। आई शुड रन वरना वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटर गुड के लिए मेरा मर्डर हो जाएगा। तुम लोग भी जाओ ल्यूमिनस लगाओ और बिना यूडीआरएस के क्रिकेट देखो। बाय जय हिंद। अरे from petty.